हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो रहा है सुबह के 7:19 और हम लोग ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं एटीएम मशीन पर, हमें विड्रॉ करना है मनी। और यह पेट्रोल पंप सामने बकाला है, तो बाहर का कुछ ऐसा भी दिखाई देता है और एटीएम पर भी लाइन लगा हुआ है। तो हमारा दूसरा नंबर है, ये भाई जाएगा तो हमारा नंबर आएगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे पैसा। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस। तो जिस भाई को आइडिया ना हो तो देख के थोड़ा बहुत आइडिया ले सकता है कैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि कोई भाई सुन के कहीं मेरे को गाली ना देने लगा कि ऐसा क्यों बोल रही है। तो यहाँ से निकालेंगे पैसा और पैसा निकालने के बाद फिर हाँ, चलते लेकिन मैंने तो हैं। आपको बताया नहीं मुझे कितना निकालना है। मुझे बस अभी 100 रुपया निकालना है, बस 100 का ही काम है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:45 और हम लोगों ने लंच करके रेडी हो गए हैं। अब हम लोगों का दूसरा ट्रिप का ड्यूटी चालू हो गया है, तो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। और ये है कुछ बाहर का व्यू, धूप काफ़ी अच्छा हुआ है। ठंडी के मौसम में धूप हो जाए और बाहर बैठ जाओ तो मज़ा ही आता है, क्या बात है। तो ये कुछ मेरे घर के बाहर का व्यू। तो ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों का अभी तीसरा राउंड चालू हो गया है और मैं जा रहा हूँ की शॉप पर, जहाँ पर चाबी बनती है दरवाज़ों की। तो मुझे ऑर्डर मिला है, चाबी की कॉपी करवानी है 5-6 पीस। तो वहाँ उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पास में एक एरिया वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको दुकान पे ले जाके चाबी कैसे बनता है यहाँ पर दुकान पर शॉर्टकट में जल्दी से। तो हम लोग जा रहे हैं और ये है बड़ी गाड़ी चला रहा है भाई, जो कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन लोगों को। क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियाँ इन लोग बीच में लाके घुसा देते हैं और बड़ी गाड़ियों को रुकना पड़ता है, आराम आराम चलना पड़ता है। तो लोग क्या है, बहुत गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। तो ऐसा है कुछ रोड पे चलने का सिस्टम। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा देखो आप, जैसे लग रहा है कि गर्मी का मौसम है यहाँ। ठंडी गर्मी का मौसम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी के टाइम में अपने इंडिया में कितना कोहरा पड़ता है, कितना ठंडी पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड होगा तब थोड़ा बहुत शाम सवेरे होगा, नहीं तो नॉर्मली दिन में मौसम सेम ही रहता है, गर्मी की तरह सेम सेम। और रोड पर ट्रैफिक तो बारहों में रहता है, सुबह शाम दोपहर हर समय ट्रैफिक रहता है। कभी कभी नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर ट्रैफिक रहता है। तो हम लोग नज़दीक आ गए हैं अपने दुकान के और ये देखो सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, दो बिल्डिंग बन रही है। ये जो रोड है किंग सलमान, ये जो रोड है मलिक सलमान रोड है। तो हम लोग यहाँ से भी राइट ले लेंगे। और रियाद में क्या है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हर जगह, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल्स, ऑफिसेस। क्योंकि रियाद को डेवलप कर रहे हैं ना लोग, तो यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और इसीलिए ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है हर जगह। तो हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, फिर दुकान के पास ही आ गए। यहाँ से हम राइट लेंगे, ये हमारी शॉप आ जाएगी यहाँ पर बस जस्ट। और यहीं पर तमीमी मार्केट भी है, जिस भी किसी भाई को आना हो तो यहाँ पा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर हर एक चीज़ की दुकानें हैं और साथ में तमीमी मार्केट भी है। तो ये सामने दुकान कॉर्नर पर चाबी की, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं अंदर भाई फ्री है कि नहीं है। तो सामने तो हमने देखा एक कोई कस्टमर है, उसका काम हो रहा है। तो हम जब तक इंतज़ार कर लेते हैं 5 मिनट तक, उसके बाद देखते हैं हमारा नंबर आता है तो। और जब तक मैंने भाई से बात किया तो मैंने पूछा आप कहाँ से, भाई ने बोला मैं भी इंडिया से हूँ। तो भाई ये काम करता है यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक चीज़ की चाय बनाई जाती है, मतलब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, डोर्स, विंडो, जो भी की होती है सब बनाई जाती है। और यहाँ बहुत आसान होता है, जो कि ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, बस एक चाबी मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर बन जाती है।
और आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी एक से एक है, तो इसलिए हर जगह, अपने इंडिया में ही मशीनें आ चुकी हैं सब। तो हमने काम करवा लिया, हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो ये सामने तमीमी मार्केट और आगे हमारी कार खड़ी है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, और आज का बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और अपने भाई के चैनल का सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।